व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो उनके लिए जो बच्चे थोड़ा सा भी ये सोच रहे हैं कि हमें एक अच्छे कॉलेज में जाना है। देखो, अगर आपके मार्क्स, ये वीडियो उनके लिए खास तौर से जिनके मार्क्स 800 में से 600 के करीब आ गए हैं, 610-20 भी आए या उससे नीचे है, तो फिर तो आपके लिए बहुत जरूरी है, 550 और तो बहुत जरूरी है यार। अगर आप स्ट्रिक करोगे ना कि मैं बीकॉम ऑनर्स के लिए बनाऊं, बीकॉम प्रोग्राम के लिए बनाऊं, बीकॉम ऑनर्स के लिए बनाऊं, बीकॉम प्रोग्राम के लिए बनाऊं, यही करूंगा, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। बिकॉज आप वो करो, कर सकते हो, लेकिन हो सकता है आपको ऑफ कैंपस से करना पड़े, साउथ कैंपस के किसी गंदे कॉलेज से करना पड़े। एक बात का ध्यान रखो यार, कोर्स जो है ना वो उतना मैटर जेन्युइनली नहीं करता। बिकॉज आपको बता देता हूँ कि अगर आपको सिर्फ ये पूछना है कि मेरे को इस कोर्स की पढ़ाई करनी, तो आपके आसपास लोकैलिटी में जो भी प्राइवेट कॉलेज है ना उससे कर लो, सिलेबस हर जगह सेम फॉलो होता है। आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना पड़ेगा अगर जॉब चाहिए तो। आज के टाइम पे डिग्री सबके पास है, इंजीनियर्स देखिए कितने सारे बैठे हुए हैं, क्यों नहीं मिल रही जॉब, क्योंकि डिग्री है उनके पास, वो पर्सनैलिटी नहीं है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं। वो कहाँ मिलती है? अच्छे एनवायरमेंट से मिलती है। अच्छा एनवायरमेंट कहाँ मिलेगा? नॉर्थ कैंपस में मिलेगा, साउथ कैंपस के टॉप कॉलेज में मिलेगा। कैसे जाओगे? कोर्स स्विच करके। कॉलेज को प्रेफरेंस दो यार, बहुत जरूरी है। बिकॉज देखो, ये नहीं कह रहा हूँ कि यार कुछ भी कर लो, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओ यार। अगर मान लो 800 में से 600 आए, तुम गलती से बीए प्रोग्राम की तरफ चले गए, तुम नॉर्थ कैंपस के भी बेस्ट कॉलेज में घुस जाओगे। बिकॉज 800 में से 600 अच्छे नंबर है। अब इस नंबर वाले बच्चे क्या करते हैं? बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्राम की तरफ भागते हैं। तुम अपना दिमाग लगाओ, तुम जाके बीए प्रोग्राम की तरफ घुस जाओ, टॉप कॉलेज में घुस जाओ। अरे जो इंडियन एरिक है, जो यूट्यूबर है, इतना फेमस लड़का है, उसने 800 में से 490 मार्क्स पे रामजस कॉलेज ले लिया। कैसे ले लिया? हिंदी ऑनर्स कर रहा था, समझ लो, ऐसा ही कुछ कोर्स था उसका, एक्जैक्टली मुझे याद नहीं है, बट ऐसा ही कुछ कोर्स कर रहा है। क्यों? इतना दिमाग लगाया उसने यार, बहुत स्मार्ट लड़का है, बहुत स्मार्ट है। इस तरीके से आप अच्छे अच्छे कॉलेज में आ सकते हो। फर्स्ट कट ऑफ में नाम आया था उसका, आपका भी आ सकता है। कैसे आ सकता है? आपको कोर्स वर्सेस कॉलेज में, कॉलेज को प्रायोरिटी देनी है। हमें आज से 3 साल बाद जॉब चाहिए। कोई किसी कोर्स के लिए बना नहीं होता कि मैं इसी के लिए बनाऊं यार, यही करूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हारे लिए कोई कोर्स नहीं बनाया यार। तुम देखो कि आज से 3 साल बाद तुम किस चीज के लिए बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो आज से 4 साल बाद, वो सोचना है तुम्हें। अगर अपने फ्यूचर को लेकर कॉन्शियस हो ना, तो कोर्स स्विच जरूर करोगे, गंदे नंबर पे भी बड़े कोर्स की तरफ नहीं भागोगे। हाँ, लेकिन अगर तुम सोचो मुझे ये करना ही, यही कोर्स है, चाहे लाइफ इधर से उधर हो जाए, कुछ फ्यूचर प्लान है तुम्हारे उस कोर्स को लेकर, तो तुम कर लो। वरना अगर 800 में से 600, 610, 620 वाले भी हो, 525, 20, 30, 40 वाले हो, उससे भी नीचे हो, तो कोर्स स्विच करो। तुम्हारे लिए तो और कोई रास्ता है ही नहीं। अच्छे कॉलेज में अगर जाना चाहते हो तो दिस इज द ओनली वे गाइस। ऑल द बेस्ट गाइस।